तो हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रिक की टेस्टिंग की कैसे की जाती है और उसका वाटर रिजोर्शन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम 20 आवर्स के लिए उसके अंदर वाटर के अंदर डाल देते हैं और 20 आवर्स के बाद इसको हम हमको निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम निकालने के बाद क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा SSD वेट के अंदर लेके आते हैं। और SSD वेट के अंदर लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमारे हाथ में क्लॉथ होना बहुत ज़रूरी होता है और कोई भी वेस्ट कोई भी क्लॉथ वगैरह जैसे कपड़ा होना जरूरी है। जैसे ईंट को धीरे धीरे इसको कपड़े को इसके ऊपर अच्छे से करना है ताकि थोड़ा सा SSD वेट में आ जाए। और सभी जैसे हम 5 ब्रिक ले रहा हूँ, ऐसे 5 ब्रिक की मैं क्वांटिटी निकालूंगा कितनी सी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है 3 डेज में। तो ऐसे धीरे धीरे सबको गए SSD वेट के अंदर हम करके रख देते हैं। और इसके बाद क्या है, SSD वेट के अंदर लेने के बाद इसका हम एयर वेट लेते हैं 5 ब्रिक्स का कि कितना कितना इसका वेट आता है, तो वो वेट हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं वेट लिया हूँ ब्रिक नंबर 1 का, तो 42-57 इसके अंदर जो वेट है। सेकंड का 3982 है और फिर 40372 3 ब्रिक का है और 3948 ये 4 ब्रिक का है। ऐसे हम पांचों ब्रिक का एयर वेट ले लेते हैं SSD करने के बाद। और फिर उसको हम क्या करते हैं, SSD करने के बाद उसको हम 20 आवर्स के लिए ऑन टेम्परेचर के अंदर 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको हम ऑन के अंदर रख देते हैं 20 आवर्स के लिए। ये आपके सामने वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ऑन के अंदर हम रख रहे हैं ब्रिक को और ऑन का जो टेम्परेचर है वो 110 से 115 के बीच में इसको टेम्परेचर के अंदर रखेंगे 20 आवर्स के लिए। और हम ओवन को फिर हम क्लोज कर देते हैं और 20 आवर्स को क्लोज रखना है। तो 20 आवर्स के बाद हम इसको ब्रिक को ओवन के अंदर से वापस से निकाल लेंगे। फ्रेंड, आप 20 आवर्स के बाद हम चेक करने वाले हैं कि ये ऑन ड्राई करने के बाद चुकी है ब्रिक को कितने परसेंट ये पानी को ऑन ड्राई पे बैठ लेंगे किया हुआ है और हम इसके अब कैलकुलेशन करेंगे। पहले इसको हम इसका ऑन ड्राई का हम वेट कर लेते हैं वीडियो को देखें। और सबसे पहले उसको वेट करने के बाद हम 1 2 3 5 ये 5 मिनट है, तो 5 मिनट के हिसाब से हम हीट ब्रिक सभी का वाटर जोशन निकाल लेंगे और वाटर जोशन के बाद इसका प्लास्टिंग करेंगे। प्लास्टिंग करने का हम इसका हम स्ट्रेंथ दिखाएंगे फिर आपको। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहें, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको जो भी न्यू वीडियो आएगी सबसे पहले आपको ऑन ड्राई वेट लेंगे। जैसे हमने अभी जो फर्स्ट नंबर जो वेट है ब्रिक है उसका हमने वेट लिया है ऑन ड्राई, जो हमारा ऑन ड्राई वेट आया 38-17। तो ओवन के 38 ऐसे हम निकालने के बाद का वेट ब्रिक कम वेट चेक करेंगे। तो फ्रेंड, हमारी ये दो नंबर ब्रिक सेकंड का ऑन ड्राई वेट है, उसका जो ऑन ड्राई वेट आया अभी 3528। तो ऐसे हम जितने भी हमारे जो ईंट है 5 ईंट है उनका सभी कम वेट ऑन ड्राई वेट ले लेते हैं और ऐसे फिर इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसका वाटर रिजर्वेशन कितना है। तो अब हम आपको कैलकुलेशन दिखाने वाले हैं कि इसका वाटर रिजर्वेशन कितनी निकला हुआ है। फिर हमको क्या करना है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए 3 डेज के हैं तो उसका हमें एक रेशियो होता है 1:1:4 का रेशियो या 1:2 का रेशियो लेना होता है। इसके अंदर क्या है, 100 ग्राम सीमेंट और 200 ग्राम सेंड लेने के बाद वो उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो ईंट के ब्रिक के अंदर जैसे कि आपको मार्क दिख रहा है जिसके अंदर ये OPCSS के जो अंदर जो खड्डा सा होता है उसको हम लेवल कर देते हैं जैसे वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है जैसे। और ये रेशो 1:2 का रेशो होता है। इसके अंदर 100 ग्राम सीमेंट 200 ग्राम सेंड लेने के बाद मिक्स की जाती है और ऐसे हम ईंट को अंदर का जो डिप वगैरह होते हैं उसको फिलअप कर देते हैं ताकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के समय उसका पूरा एरिया सरफेस के ऊपर लोड ले। तो ऐसे हम 5 ब्रिक्स 1 2 3 का सभी का हम उसका सरफेस एरिया इसको हम प्लेन कर देते हैं। और सरफेस करने के बाद ये 3 डेज दिन के बाद हम देखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। तो हमने फर्स्ट ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ और ब्रिक
को कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किया जाते हैं, अप और डाउन के अंदर बीच में 3 mm की कोई प्लाई या टुकड़ा लिया जाता है या गत्ता का टुकड़ा ले सकते हैं आप ताकि लोड ना लगे। तो बीच में दोनों लगाने के बाद हमने इसके ऊपर लोड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से स्टार्ट कर देना है और देखते हैं कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी ले रही है। तो फ्रेंड हम 220 आवर्स के बाद हमने इसका वाटर एब्जॉर्प्शन निकाला है, तो हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास 20% वाटर एब्जॉर्प्शन आ रहा है। तो उसका क्या है कि 10-20% के बीच में ही वाटर एब्जॉर्प्शन निकलता है इसका। और उसके बाद निकालने के बाद क्या करना है कि अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर 14 Nm/mm मतलब 140 kg/cm होता है। तो इसका एरिया हमने चेक किया कि इसका जो एरिया होता है कि लेंथ इनटू में विड्थ का मल्टीप्लाई करने के बाद होता है, जो हमारे पास जो रीडिंग मेंशन हो रही है, जो रीडिंग किलो न्यूटन में रीडिंग आई है उसको न्यूटन में चेंज कर लेते हैं। न्यूटन को चेंज करने के बाद इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद किलो न्यूटन में चेंज होते हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि हमारे पास जो इसका जो एरिया निकलता था वो 2530 है, तो उसको हम क्या जो इसका प्रेशर होता है, प्रेशर निकालने के बाद क्या करते हैं कि लोड अपॉन में एरिया करने के बाद इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल जाती है, तो 13.40 Nm/mm होता है। ये हमारे पास एक मॉड्यूलर साइज़ था।